अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकात। दिस इज अमीर पॉपकॉर्न वाला। उम्मीद करता हूँ आप बिल्कुल खैरियत से होंगे। सो दोस्तों, कैनवा हमने अल्हम्दुलिल्लाह सीख लिया है और बहुत ही अच्छे अंदाज से सीखा है, ठीक है। और ऐसी चीज़ें हमने सीख ली हैं कि अब आपको कुछ भी दे दिया जाए तो आप वो डिज़ाइन कर दें, ठीक है। मुझे इतना भरोसा है आपके ऊपर, ठीक है। क्योंकि मैंने अल्हम्दुलिल्लाह कोर्स डिज़ाइन ही इस अंदाज से किया था कैनवा का, और स्पेशली अब अच्छा, मैं बता रहा था, सॉरी थोड़ी इंटरप्शन आ रही थी। मैं ये बता रहा था कि मैंने डिज़ाइन इस अंदाज से किया, फाइबर को मैंने जिस अंदाज से बयान किया है तो पहली गिग में ही लोग रैंक कर लेते हैं खुद को। अच्छा, अब मैं इंशाल्लाह अब हमारा जो बैच होगा इसके अंदर कुछ सीक्रेट भी आपके साथ शेयर कर, ठीक है, कि हम इंशाल्लाह ऑर्डर्स भी लेंगे। इस बैच में हम तहैया करते हैं कि हम ऑर्डर लेंगे और ले लेंगे, ठीक है, क्योंकि मैंने इसके ऊपर काफ़ी रिसर्च किया, ठीक है। उस तरह से हम अमल करेंगे और ऑर्डर जो है ना हम पक्के ले लेंगे, ठीक है। तो वो ट्रिक्स जो है मैं आपके साथ शेयर करूंगा बाद में। आज हम थोड़ा सा फाइबर को देख लेते हैं। ये आपके सामने इंटरफेस आपको फाइबर का नजर आ रहा है, ठीक है। सबसे पहले तो आपको मैं बताता चलूं कि फाइबर है क्या। फाइबर सभी लोग कहते हैं कि फाइबर पे गिग बना ली, फाइबर पे ऑर्डर नहीं आ रहे, फाइबर 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 कैनवा फाइबर, आपने सभी ने सुना होगा, ठीक है। फाइबर एक ऑनलाइन मार्केट प्लेस है। फाइबर एक ऑनलाइन मार्केट प्लेस है जो फ्रीलांसर को उन लोगों या कारोबारी इदारों से जोड़ता है जो खिदमात हासिल करना चाहते हैं। फाइबर एक ऑनलाइन मार्केट प्लेस है जो फ्रीलांसर को उन लोगों या कारोबारी इदारों से जोड़ता है जो उनसे खिदमात हासिल करना चाहते हैं। सिंपल वर्ड में, जिस तरह एक फ्रूट वाली मंडी होती है, सब्जी मंडी होती है, ठीक है, जिस तरह आप दराज किसी ने कहा है, जिस तरह किसी ने OLX कहा है, OLX पे लोग आते हैं, बायर भी आ जाता है और सेलर भी आ जाता है, और बायर सेलर से सर्विसेज परचेज कर लेता है। बहुत ही सिंपल करके मैं समझा देता हूँ कि जिस तरह मार्केट के अंदर, बाजार के अंदर दुकानें बनी हुई होती हैं, उसके अंदर जिसको जो ज़रूरत होती है वो बाजार में जाता है और अपनी मर्जी की चीज़, अपनी मर्जी की सर्विस ले लेता है। जिस तरह सब्जी मंडी होती है, सुबह सुबह मंडी लगती है, एक टाइम है, उसके अंदर जाके लोग वहाँ पे आड़ती होते हैं, फ्रूट सब्जी बेचने वाले होते हैं, एक सेलर होता है, एक बायर होता है, वो अपनी मर्जी से रेट तय करके चीज़ें परचेज कर लेते हैं। इसी तरह फाइबर एक ऑनलाइन मार्केट प्लेस है जिस पे डिजिटली प्रोडक्ट सेल होते हैं, ठीक है, जिस पे डिजिटली सर्विसेज सेल होती हैं। ग्राफिक डिज़ाइन है, वेबसाइट डिज़ाइन है, वर्डप्रेस है, लोगो डिज़ाइन है, वीडियो एडिटर है, एक्सेल, पावर पॉइंट, इस तरह के जितने भी ऑनलाइन काम जो होते हैं, जो कंप्यूटर्स की मदद से किए जाते हैं, वो यहाँ से आके आप सर्विस ले भी सकते हैं और दे भी सकते हैं। आप फाइबर पे एज अ बायर भी आके यहाँ से सर्विस परचेज कर सकते हैं और एज अ सेलर भी सर्विसेज दे सकते हैं। ये कुछ पिक्चर्स आपके सामने घूम रही हैं, ये फाइबर के टॉप रेटेड सेलर्स हैं।
इसके ऊपर काम कर रहे हैं और अपनी अपनी खिदमात जो हैं सर अंजाम दे रहे हैं अपने अपने शोबों के अंदर। तो इस तरह से समझ लें कि ये एक ऐसा सर्विस प्रोवाइडर प्लेटफॉर्म है, सर्विस प्रोवाइडर प्लेटफॉर्म है जो सेलर को बायर के साथ और बायर को सेलर के साथ जोड़ता है, दोनों को जोड़ के उसका काम भी, उसको काम मिल जाता है, उसको अच्छा सेलर मिल जाता है और फाइवर इससे अपने पैसे जो है बना लेता है। ठीक हो गया? तो ये एक ब्रिज का काम करता है दो लोगों के दरमियान। आप खा किसी भी कंट्री के अंदर बैठे हुए हैं, इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। तो ये बात आपको यहां तक समझ आ गई है सबको? गुड हो गया। अच्छा, तो आपने सुना होगा फ्रीलैंसिंग फ्रीलैंसिंग फ्रीलैंसिंग। फ्रीलैंसिंग क्या होती है, कोई मुझे बता सकता है कमेंट के अंदर? अच्छा, फ्रीलांसिंग का क्या मतलब? ऑनलाइन वर्क फ्रॉम योर होम। ठीक है सर, फ्रीलांसिंग इज सिंपल लाइक दैट, जैसे यूजुअली बंदा जॉब करता है तो वी आर बाउंड, वी आर कमिटेड विद किसी भी एसोसिएशन के साथ, हम कमिटेड होते हैं। फ्रीलांसिंग में ये कि आपका अपना, आप किसी के साथ कमिटेड नहीं होते हैं, मतलब आप किसी के अंदर बाउंड्रीज में नहीं होते हैं, आप भी एक आपको जोन जोन मिला हुआ होता है जिसमें आप काम कर रहे होते हैं। मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से फ्रीलांसिंग एग्जैक्टली भी एग्जैक्टली एग्जैक्टली। अच्छा, फ्रीलांसिंग का जो एक जो लफ्जी मानी है, फ्रीलांसिंग का मतलब है कि खुद मुख्तार, और फ्रीलांसिंग कहते हैं खुद मुख्तारी को, आजादी को, कि आप काम करने में खुद मुख्तार हो, आप किसी के बाउंड ना हो, आप ना जगह के बाउंड हो, आप इंडिपेंडेंट हो। ठीक है, आपका कोई बॉस ना हो, आप अपने बॉस खुद हो, आप मकानों जमा के जो है ना पाबंद ना हो। फ्रीलांसिंग का मतलब है यानी कि जितनी भी आप ये तारीफें जो लोग लिख रहे हैं वो बिल्कुल ठीक बता रहे हैं, लेकिन लफ्जी मानी ये है कि खुद मुख्तार, आप अपनी मर्जी से काम करें, चाहे आप घर बैठे हों, वो कहते हैं कि आप चाहे कोर्ट में बैठे हैं या पिजामाज के अंदर बैठे हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्लाइंट को काम चाहिए, आपने काम करके देना है, आप चाहे टी शर्ट पहन के बैठे हों, आपने चाहे जो कुछ भी पहना हुआ, आप इजीली बैठ के अपनी बाउंड्री के अंदर, आप चाहे सोफे पे बैठे हैं या आप बेड पे बैठे हैं ऑफिस में, इसी से कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो ये एक अल्लाह पाक की बहुत बड़ी नेमत है कि आप घर बैठे हो, वर्क फ्रॉम होम हो, चाहे वर्क फ्रॉम पार्क हो, वर्क फ्रॉम होटल हो, आप वर्क फ्रॉम ट्रेवल हो, ठीक है, जहां भी बैठे हो आप इजीली अपना जो है बैठ के उस जगह पे इससे अर्न कर सकते हैं, इसे फ्रीलांसिंग कहते हैं। और डिजिटली फ्रीलांसिंग का मतलब ये है कि आप विदाउट किसी बाउंड्री के, किसी कैद के, आप कहीं भी बैठ के कोई सर्विस दे रहे हो और उसे पैसा अर्न कर रहे हो, इसे फ्रीलांसिंग। इसमें ये है कि आप अपने बॉस खुद होते हैं, आप अपनी बिडिंग खुद करते हैं, आप कहते हैं मैं ये काम करूंगा, इतना पैसा लूंगा, आपको कोई कहने वाला ये नहीं होता कि मुझे ये काम इतने पैसों में करके दो, आप पे डिपेंड है आप करके देना चाहते हैं या नहीं देना चाहते। ठीक हो गया? फाइबर पे काम करने के लिए हमें दो चीजें दरकार होती हैं। नंबर वन स्किल,
सॉरी, नंबर वन हमें फाइवर पे एक अकाउंट चाहिए होता है, और नंबर टू हमारे पास स्किल हो, ताकि जो स्किल, जिस स्किल की हम सर्विस जो है देना चाहते हैं दे सकते हैं, वो कुछ भी होती है। जैसे हम ग्राफिक डिज़ाइनिंग की स्किल देना चाह रहे हैं, स्किल हमारे पास आ गई है और हमारे पास अभी अकाउंट नहीं है, हम अकाउंट बनाना भी जो है ना सीखेंगे, स्टेप बाय स्टेप चीज़ें हम लेके चलेंगे। अभी हम इसको एज अ बायर जो है इसके ऊपर अभी काम करेंगे, अभी एज अ सेलर जो है ना इसके ऊपर नहीं जाएंगे। किसी का कैमरा जो है ना ऑन है, कोई भाई कह रहे हैं, तो अपने कैमरास जो है वो ऑफ रखा करें, स्पेशली हमारी सिस्टर्स जो हैं वो अपना कैमरा खसूसन ऑफ रखा करें, ठीक है। दो चीज़ें दरकार हैं फाइवर पे काम करने के लिए, नंबर वन हमारे पास फाइवर पे एक अकाउंट होना चाहिए, नंबर टू हमारे पास स्किल होनी चाहिए जिसकी हम सर्विसेज दे रहे हैं, ठीक है। तो अभी हम इसके ऊपर थोड़ा सा सर्च कर लेते हैं, बल्कि सर्च की तरफ जाने से पहले मैं आपको कुछ एक्सटेंशन बताने लगा हूं कि वो हमारे पास इसके अंदर होना ज़रूरी है, वो आप इसके अंदर जो है ना लिख लीजिए, अपने पास कॉपी पेंसिल्स जो हैं वो लिख लीजिए, मैं आपको एक्सटेंशन लिखवा रहा हूँ। नंबर वन लिखिए फिव डेटा, FIVDATA, फिव डेटा, ये एक्सटेंशन है, ठीक है, इसकी मदद से हम काम लेंगे। लेकिन ये एक्सटेंशन सिर्फ वो लोग यूज़ कर सकते हैं जिनके पास कंप्यूटर या लैपटॉप है, सिर्फ इसमें ये डिफरेंस है। लेकिन जब आपको मैं प्रैक्टिस करवा दूंगा तो आप एक्सटेंशन के भी इंशाल्लाह जो है ना मोहताज नहीं रहेंगे, लेकिन आप फिर भी नोट कर लीजिए। पहली एक्सटेंशन मैंने आपको बताई है फिव डाटा, ठीक हो गया, और नंबर टू जो है वो है फाइबर क्विक व्यू, फाइबर क्विक व्यू, FIVER फाइबर, QUICK क्विक व्यू, VIEW व्यू, ठीक है, मैं रुक रुक के बता रहा हूँ, फाइबर क्विक व्यू। नंबर थ्री पे है पेज रिफ्रेश प्लस, ऑटो रिफ्रेश प्लस, ये आपको स्क्रीन के ऊपर एक्सटेंशन नजर आ रही है जिसके ऊपर मैंने क्लिक किया, मुझे बताएगा एक्सटेंशन नजर आ रही है, ये देख लीजिए आप, यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये एक्सटेंशन है, इनकी मदद से इनको हम इस्तेमाल करते हुए अच्छे अच्छे कीवर्ड रिसर्च करेंगे, ठीक है। जो फिव डाटा है इसकी मदद से हम चेक करेंगे कि हमारी गिग, वैसे तो हम गिग ढूंढने लग जाएं तो इतनी सारी गिग्स होती हैं उसमें हम नहीं देख पाते कि हमारी गिग कहाँ पड़ी हुई है, लेकिन फिव डाटा एक ऐसी एक्सटेंशन है जिसकी मदद से हम अपनी एक सेकंड के अंदर अपनी गिग का जो हमारा टाइटल होता है वो ऐड करके हम चेक कर लेते हैं, ठीक है, कि हमारी गिग रैंक कर रही है या नहीं। अब गिग का लफ्ज मैं यूज कर रहा हूँ, गिग क्या होती है, ये गिग साहिबा क्या होती है मैं आपको बताता हूँ। हम अपना अकाउंट बनाते हैं, अकाउंट बना के उसके अंदर एक गिग होती है, ठीक है,
वो गिग लगाने के लिए हम उस गिग के अंदर शॉर्ट सी डिस्क्रिप्शन लिखते हैं, खूबसूरत सी बना के हम बयान करते हैं कि मैं आपको ये सर्विस दूंगा, आपसे इतने पैसे चार्ज करूंगा। ठीक है, ये डिस्क्रिप्शन लिखते हैं हम उसके अंदर, और उसके ऊपर एक फोटो लगाते हैं, एक पिक्चर लगाते हैं। ठीक है, उसे गिग फोटो कहते हैं। और उसके अंदर हम पैकेज लिखते हैं कि ये वाला काम मैं आपको एक थंबनेल बना के दूंगा, $5 चार्ज करूंगा, तीन थंबनेल बना के दूंगा, $10 चार्ज करूंगा, आठ थंबनेल बना के दूंगा, 10 थंबनेल बना के दूंगा, 15 थंबनेल बना के दूंगा, आपसे $20 चार्ज करूंगा। ये जो मुकम्मल पैकेज होता है इसे गिग कहते हैं। ठीक है, वो मुकम्मल पैकेज जिसके अंदर हम अपनी सर्विस दे रहे होते हैं और उस सर्विस को बयान कर रहे होते हैं, उसे गिग कहते हैं। ठीक है, गिग समझ आ गई कि गिग क्या होती है? एक मुकम्मल पैकेज होता है जिसमें हम बता रहे होते हैं कि मैं ये सर्विस दे रहा हूँ, इतने पैसों में दे रहा हूँ, मेरी सर्विस के अंदर ये चीजें शामिल हैं। इट्स कॉल्ड गिग। समझ आ गई? बहुत सिंपल करके मैंने आपको गिग के बारे में बता दिया। अच्छा, तो ये सर्च इंजन है इसका। ठीक है, जहां से हम आके सर्विसेज जो हैं वो सर्च कर सकते हैं। ठीक है, सो दैट हमें जो सर्विस है चाहिए है थंबनेल डिजाइन की, या हम इसे कर देते हैं YouTube यहां से हम सर्च में चले जाते हैं। तो हमें यहाँ पे फाइबर जो है ना गिग शो कर रहा है और कुछ लोगों की गिग्स रैंक हो रही हैं। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा इसके बारे में आपको थोड़ा सा इंटरफेस के बारे में मैं ना एक्सटेंशन आपको दोबारा से बता दूंगा, आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, आप क्लास पे फोकस कीजिए। अच्छा, ये आप कुछ सर्विसेज और कुछ इंटरफेस को हम रीड कर लेते हैं। ये कैटेगरी है सोशल मीडिया थंबनेल डिजाइन के, ये कैटेगरी है सोशल मीडिया डिफरेंट कैटेगरी है। अगर यहाँ से हम जो सिलेक्ट कर लेंगे हमें उस कैटेगरी से मुतल्लिक यहाँ पे रिजल्ट आना शुरू हो जाएंगे। यहाँ पे सर्विस ऑप्शन है, सोशल मीडिया पे सर्विसेज देना चाहते हैं, मार्केट प्लेस है या अदर इस तरह की ये चीज़ें हैं, इनसे हमारा इतना वो। ये सेलर डिटेल है, वो बता रहा है कि टॉप रेटेड सेलर 19 हैं इस कीवर्ड के ऊपर। और लेवल टू कीवर्ड क्या होता है ये भी मैं आपको बाद में बताऊंगा। लेवल टू जो है 902 हैं, लेवल वन 1024, न्यू सेलर 20175 हैं इस कीवर्ड के ऊपर। ये बजट है, आप यहाँ से बजट अपना सिलेक्ट करके जब इस पर रिसर्च करेंगे तो उस बजट के मुताबिक यहाँ पे हमें जो है ना वो किक शो होना शुरू हो जाएंगी। ये डिलीवरी टाइम है, इसके अंदर बताया जा रहा है कि एनी टाइम पे यहाँ पे है। हम चाहते हैं कि हमें अप टू 3 डेज या अप टू 7 डेज एक्सप्रेस 4 आवर, हम अगर 24 घंटे में अपनी सर्विस चाहते हैं तो यहाँ पे क्लिक करेंगे तो हमें वो गिग्स मिलेंगी जो 24 घंटे में अपनी सर्विसेज दे रही हूँ। उसके बाद है प्रो सर्विस, आपको यहाँ पे लिखा हुआ है। तो जैसे हम इसको प्रो का फिल्टर ऑन करेंगे तो पहले 20,000 यहाँ पे गिग्स शो हो रही थी, तो वो बता रहा है कि इस पे सिर्फ एक ही इस कीवर्ड के ऊपर यूट्यूब थंबनेल जो हमारा कीवर्ड है उस पे एक ही प्रो गिग पड़ी हुई है, प्रो अकाउंट पड़ा हुआ है। ठीक है, और वो थंबनेल बनाने के यानी कि ये यूट्यूब से मुतल्लिक है और वो पाकिस्तानी 23,000 रुपये चार्ज कर रही हैं, और ये वेरीफाइड ये प्रो लेवल के
यहाँ पे सेलर हैं, ठीक है। क्लास पे फोकस कीजिए प्लीज। तो जैसे हमने प्रो किया तो हमें एक शो हो रहा है, और इसका प्रो का इस तरह का आइकन होता है, उस पर प्रो वेरीफाइड, उसको फाइवर कहता है कि इस बंदे से काम करवाएं आप, ठीक है। फाइवर जो है ना सजेस्ट करना शुरू कर देता है, वेरीफाई करना शुरू कर देता है लोगों को कि ये बंदा अच्छा सेलर है, इसे बहुत अच्छा काम आता है, तो आप इससे काम करवाएं। प्रो सर्विसेज में ये चीज आती है। अच्छा, उसके बाद है लोकल सेलर। लोकल सेलर को जैसे हम क्लिक करते हैं या ऑन करते हैं तो इस पे टोटल है 22,120। जैसे हम लोकल सेलर पे करते हैं तो हम क्योंकि लोकली पाकिस्तान के हैं, तो इस कीवर्ड पर जो पाकिस्तानी हमारे सर्विसेज दे रहे हैं वो है 11,248, 11,248 सर्विसेज। इस कीवर्ड के ऊपर हमारे पाकिस्तानी जो लोग हैं वो 11,200 यानी 50 के करीब ऐसे पाकिस्तानी हैं जो इस कीवर्ड के ऊपर अपनी सर्विस दे रहे हैं, और ये माशाल्लाह से ये पिक्सल डिजाइन वाले हैं, ये लेवल 2 हैं, ये हमारे पाकिस्तानी हैं, इन्होंने 49 ऑर्डर कंप्लीट किए हुए हैं, ये इनसेप्ट टाइप्स वाले हैं, कोई इन्होंने अपना नाम नहीं लिखा हुआ, इन्होंने माशाल्लाह 402 ऑर्डर पूरे किए हुए हैं, ये आपके पाकिस्तान के बंदे हैं, ठीक है। प्रो और लोकल सर्विस में फर्क ये है कि लोकली आप, प्रो तो एक फिल्टर है ना, प्रो वाला वो बंदा होता है जिसको जो इतने ऑर्डर्स कंप्लीट कर लेता है कि फाइवर उसे रेकमेंड करना शुरू कर देता है लोगों को, वो बहुत कम लोग होते हैं। और लोकल सेलर वो होता है कि जिस कंट्री से आप ताल्लुक रखते हैं उस कंट्री से कितने लोग काम कर रहे हैं वो आपको शो होते हैं, ये सारे पाकिस्तानी हैं। अब ये एके थंबनेल डिजाइन वाले जो भाई हैं, इन्होंने 168 जो है ना फाइबर पे किस चीज की वीडियो कह रहे हैं कि स्टॉप वीडियो, सर, असल में जब आप ये बता रहे थे ना कि किसने कितनी सर्विसेज दे दी हैं, उस वक्त वीडियो स्टॉप हो गई थी। आप एक बार फिर से बता दीजिए। अच्छा वो आई थिंक सिग्नल का कोई इश्यू हो सकता है। मैं ये बता रहा था कि किसी ने सवाल किया था कि प्रो सर्विसेज में और लोकल सर्विसेज में क्या फर्क है, तो मैं ये बता रहा था कि प्रो सर्विसेज वो होते हैं जिनको फाइवर कहता है कि ये अपने काम प्रोफेशनली इन्होंने किया है और इनकी बहुत अच्छी सर्विस है, जो फाइवर पे अच्छा काम कर रहे होते हैं तो फाइवर उन्हें सजेस्ट करना शुरू कर देता है सब लोगों को कि इस बंदे से आप अपनी सर्विसेज बाय करें। और लोकल सेलर वो होता है कि जो आप जिस इलाके से होते हैं, जिस कंट्री से होते हैं, जब आप लोकल सेलर पे करते हैं तो उस कंट्री के लोग आना शुरू हो जाते हैं। तो जैसे ये पिक्सल डिजाइन वाले हमारे भाई हैं, इन्होंने 49 ऑर्डर पूरे किए हुए हैं, ये इनसेप्ट टाइप्स वाले जो हैं, इन्होंने 402 ऑर्डर्स कंप्लीट किए हुए हैं, ये एके थंबनेल डिजाइन वाले 168 इन्होंने ऑर्डर कंप्लीट किए हैं, इन्होंने 156, और ये डिजाइन जो है ना डिजाइन ऑल जो इन्होंने, ये लेवल 2 है और 1,000 से ज्यादा ऑर्डर कंप्लीट कर चुके हैं, ये आपके पाकिस्तान के हैं, अगर ये कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हैं, ठीक है। 11,000 हमारे पाकिस्तानी लोग हैं जो सिर्फ इस YouTube थंबनेल का जो कीवर्ड है इसके ऊपर काम कर रहे हैं, ठीक है, तो आप भी कर सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा हम इसको अब रिमूव कर देते हैं। उसके बाद यहाँ पे है ऑनलाइन सेलर। अब ऑनलाइन सेलर बहुत ही इम्पोर्टेंट फिल्टर है फाइबर के ऊपर। वो बंदा जल्दी रैंक करता है, जल्दी ऑर्डर लेने में कामयाब हो जाता है,
जिस बंदे के पास जो बंदा ज्यादा से ज्यादा ऑनलाइन रहता है। अब ये देखिए 22,128 सर्विसेज हैं। अगर कोई बंदा आए और वो कहे कि मुझे तो जल्दी सर्विस चाहिए, वो भागते ही ऑनलाइन फिल्टर लगाता है। और कहाँ 22,000 और कहाँ 951 लोग, ठीक है, 951 सर्विसेज अवेलेबल हैं। अब कितने लोगों को फिल्टर लग गया, ठीक है, तो आप इस चीज से अहमियत का अंदाजा लगा सकते हैं ऑनलाइन सेलर होने का, कि अगर आप जितना ऑनलाइन रहते हैं आप उतने ज्यादा लोगों को डिफीट कर पाते हैं। आपकी गिग रैंक उस वक्त होती है जब आप ज्यादा से ज्यादा ऑनलाइन रहते हैं और उन लोगों को ऑर्डर्स मिलते हैं जो ऑनलाइन। हाँ, जो हर वक्त अवेलेबल होगा, क्योंकि जो लोग यहाँ पे काम लेने आएंगे उससे तो ये तो नहीं है कि मैं ये करूँ, अब ये पता नहीं मुझे कब जवाब देगा। वो ऑनलाइन जो सेलर का फिल्टर है उसे ऑन कर देते हैं, और इधर से जो ऑनलाइन बैठा है उसके साथ चैट करके ऑर्डर दे के अपना बस वो काम करने लग जाता है। ठीक हो गया, ये यहाँ तक बात आपको समझ आ गई? अच्छा सर, एक क्वेश्चन था, सॉरी। जी, पूछिए। जिस तरह सर अभी आप बता रहे हैं ऑनलाइन ऑनलाइन सेलर का, इस तरह फाइबर अकाउंट में आप मोबाइल में भी अगर जाते हैं तो वहां पे ना ऑलवेज स्टे ऑनलाइन का एक ऑप्शन है, वहां फिल्टर है मतलब ऑन, अगर ये हम वो उसको ऑन ऑन करते करना हैं, अगर पड़ता, आपका मोबाइल मतलब फॉर एग्जाम्पल वो ऑन हम रखते हैं, तो क्या हम ऑनलाइन ही शो होते रहेंगे अगर हमारा नेटवर्क ऑन है, ये मतलब हमने जो भी वाईफाई से कनेक्ट किया अगर आप वो ऑन फिर है उसका तो ये हम है कि मतलब आप ऑन उसे शो होते ऑन रहेंगे? करके उस पे ऑनलाइन भी रहे, फाइवर की ऐप को चेक करते रहे बार बार, जी, इस तरह से आप और उस मतलब स्टेटस ये है कि को। अगर हमने ऑन कर दिया है तो उसको कोई उसका कोई फर्क नहीं है जब तक हम फाइबर एप्लीकेशन ऑन नहीं करेंगे, या मतलब इस तरह जी अगर जी बार जी बिल्कुल, बार बार जाके चेक नहीं करेंगे, अगर वो ऑन रहे भी तो उसका कोई फायदा नहीं है जब तक हम ओपन नहीं करेंगे एप्लीकेशन को। जी राइट राइट, ऐसे ही। अच्छा, एक और मैं चीज आपको बताने लग गया था। आपको ये कुछ कीवर्ड नजर आ रहे हैं, टॉप फोकस कीवर्ड, ठीक है, आपको ये नजर नहीं आएंगे, ठीक है। ये जो हमें नजर आ रहे हैं कीवर्ड, ये फाइवर क्विक व्यू की जो हमने एक्सटेंशन इसके अंदर इंस्टॉल की हुई है, वो कैसे इंस्टॉल करती है वो सारे मैं आपको बताऊंगा। ये उस एक्सटेंशन की वजह से हमें बता रहा है कि टॉप फोकस कीवर्ड कौन से होते हैं, वो कीवर्ड के जिनके ऊपर बायर्स ने सबसे ज्यादा फोकस किया, यानी कि जो बायर्स यहाँ पे आके सबसे ज्यादा सर्च कर रहे हैं ना, वो ये कीवर्ड है। थंबनेल आके सर्च करते हैं, यूट्यूब थंबनेल आके सर्च करते हैं, कस्टम थंबनेल आके सर्च करते हैं। जो कीवर्ड सबसे ज्यादा सर्च किए गए हैं वो हमें उस एक्सटेंशन ने निकाल के दे दिए हैं, ताकि हम इनके ऊपर जब गिग बनाए तो हमारी गिग रैंक होने के ज्यादा से ज्यादा चांसेस होंगे, ये फाइवर क्विक व्यू की वजह से। हाँ, जो ट्रेंडिंग में होते हैं आप ऐसा समझ लें। आपको मैं ऐसा करता हूँ कि अब्दुल हादी को ट्रांसलेटर रख लेता हूँ, ठीक है, अपने साथ। मैं जो बात करता हूँ ये अच्छे अंदाज के साथ चैटिंग में समझाते हैं लोगों को। तो ऐसा करते हैं कि मैं रिकॉर्डेड लेक्चर शेयर कर दिया करूँ, और अब्दुल हादी जो है ना बाद में समझा दिया करें। मैं वैसे हायर करूंगा इसको इंशाल्लाह, मैं थोड़ा, अगर मैं पैसे शैसे वाला ज्यादा बंदा बन गया। अच्छा, खैर। अच्छा, अब ये आपको ना, आई विल डिजाइन आई कैच यूट्यूब गेमिंग थंबनेल, ठीक है, उसके नीचे जो है गेमिंग थंबनेल आपको लिखा हुआ नजर आ रहा है, ब्लू ब्लू सा, आई विल क्रिएट यूट्यूब थंबनेल इन 4 आवर्स, ठीक है, इसके नीचे भी आपको ब्लू से नजर आ रहे हैं, ठीक है। तो ये जो है ना, ये भी फाइबर क्विक व्यू की वजह से जिन लोगों ने टैग्स ऐड किए हैं, टैग्स क्या होते हैं ये मैं आपको हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर होता है उसके अंदर मैं बताऊंगा, इससे भी हमारी गिग रैंक होने में हमें मदद मिलेगी। टैग्स वो होते हैं जो हमारी, हमने जो कीवर्ड सेलेक्ट किया होता है उसके रेलेवेंट होते हैं, ठीक है। तो ये जो हमें नजर आ रहे हैं, अगर आपके पास फाइवर क्विक व्यू की जो एक्सटेंशन इंस्टॉल नहीं होगी तो ये चीज भी हमें
इसके अंदर जो है नजर नहीं आएगी। और एक और मैं चीज आपको बता दूं कि आपने माइंड के अंदर रखना है कि आप जब भी अगर मोबाइल से यूज कर रहे हैं फाइबर को, तो आपने गूगल पे जाना है, वो वाला गूगल जिसका आइकॉन नहीं है, वो दूसरे वाला जिसके अंदर ब्लू कलर की एक पट्टी होती है, उसके अंदर जी लिखा होता है, फिर एक छोटी सी पट्टी येलो होती है और एक रेड होती है छोटी छोटी सी, ठीक है ना? तो वो वाला गूगल आपने देखा है ना, उस गूगल के अंदर जाके आप जब राइट साइड के ऊपर जाएंगे तो इस तरह के 3 डॉट्स आपको मिलेंगे, उस पर क्लिक करके नीचे आएंगे तो आपको वहां पे लिखा आएगा डेस्कटॉप साइट मोड। उस डेस्कटॉप साइट मोड पे आप जब भी करेंगे तो आपका मोबाइल पीसी या लैपटॉप की आपको सहूलतें देने लग जाएगा, ठीक है? तो उसमें जाके जब आप सर्च करेंगे तो आपके लिए ये एक बेहतरीन चीज साबित हो जाएगी, आपको सर्चिंग करने में आसानी हो जाएगी, ठीक है? तो इस तरीके से आप इसको यूज कर सकते हैं। आज हमारा थोड़ा सा इंट्रोडक्शनरी लेक्चर था, उम्मीद करता हूँ कि आपको जो है ना समझ आ गया होगा। फाइवर बहुत इंटरेस्टिंग है, मैं आपको ऐसी स्टोरीज के जरिए फाइवर सिखाऊंगा कि आपको इंशाल्लाह आप कहेंगे मुझे हमें तो एक दिन में ही समझ आ गया। कल मैं आपको फाइवर कहानी अमीर पॉपकॉर्न वाला की जुबानी सुनाऊंगा, ठीक है? उसको सुनाते ही आपको कीवर्ड रिसर्च तो कहानी के जरिए ही, जिनके पास लैपटॉप है वो तो फिर अच्छा है ना, ठीक है, वो अपने आप को प्रो कर सकते हैं। जिनके पास मोबाइल है वो इजिली मोबाइल से सीखेंगे, हम तो मोबाइल वाले ही है ना सारे, ठीक है? तो इंशाल्लाह बाकी चीजें जो हैं वो हम हमारे कल वाले लेक्चर के अंदर सीखेंगे। मैं दोबारा से बता देता वो मोबाइल पे कैसे यूज करेंगे, गूगल पे जाएंगे, वो वाला गूगल मोबाइल जो हमारे बाय डिफॉल्ट हमारे पास होता है, जिसका वो जो आइकन होता है वो ब्लू येलो एंड रेड होता है, अंदर जी लिखा होता है, उसको क्लिक करके उसको जैसे ओपन करेंगे साइड पे राइट साइड में ऊपर की तरफ जाएंगे, 3 डॉट में जाके ऐसे नीचे आएंगे तो वहां पे आपको मिलेगा डेस्कटॉप साइट मोड। उसको ऑन करेंगे तो आपका मोबाइल जो है वो एज अ लैपटॉप या पीसी चलना शुरू हो जाता है, उसकी जो है ना की सहूलतें ज्यादा हो जाती है। तो क्लास का टाइम खत्म हो गया है, इंशाल्लाह कल मिलेंगे। कोई सवाल हो तो आपका तो मुझसे क्लास में ग्रुप में पूछ सकते हैं। तो अभी दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज, बाय बाय, अब्दुल हादी, अल्लाह।